तो गाइस आज इंटरेस्टिंग वीडियो बनानी थी, तो क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह उठ गए, मतलब 10 बजे। शर्म करो, भगवान से डरो। हेलो प्लेयर, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम वापस से आ चुके हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज क्या हुआ है, मेरे दोस्त ने चैलेंज दिया कि आज ये डायमंड ओनली वर्ल्ड के अंदर मुझे स्पीड रन करना है। तो चलिए गाइस बिना बकचोदी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ इस वर्ल्ड के अंदर। अरे यार कोई विलेज नहीं, अरे पीछे, अरे भाई क्या ही बोले, पीछे ही था ये विलेज। भाई यहाँ पे एक विलेज है, उस साइड में भी विलेज है, और यहाँ पे एक रूइन पोर्टल। भाई इतना लाग, मतलब कैसे हो सकता है मेरा। अरे 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 भाई मैं लवा में गिर गया था भाई, मर जाऊंगा भाई। अरे पानी किधर है, अरे भाई विलेज के अंदर पानी मिल जाएगा ना। चलो यार पानी, यार पानी कहाँ है। अरे भाई बुझ गया, आग बुझ गया भाई। अभी मरते मरते बचा, मतलब भाई क्या ही बोला आप, वीडियो बनाने के पहले ही मतलब स्कैम हो जा रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पे 2 गोल्ड ब्लॉक है, तो पहले यहाँ पे चेस्ट को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अरे भाई यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील भी मिल गया, और कुछ आयरन नगेट मिल गए, और क्या ये क्या है, 2 ऑब्सिडियन भी मिल गया। मतलब ऐसा लग किसका हो सकता है भाई, और मतलब इस रूइन पोर्टल के अंदर 2 गोल्ड ब्लॉक मिला मुझे। तो इसको प्लेस करते हैं ऑब्सिडियन को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आई थिंक, और 2 लगेगा यहाँ पे, 2 या 1, 1 में हो जाएगा आई थिंक। तो छोड़ो विलेज को, चलो चेकआउट करते हैं कुछ अच्छा सामान मिल जाए तो। अरे बकरी क्या कर रहा है तू, जाना यहाँ से, मुझे यहाँ पे लकड़ी कलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सर्च टूल्स बना लेता हूँ, क्योंकि इसका ज़रूरत होगा, क्योंकि पहले हमें आयरन की ज़रूरत होगी, क्योंकि आयरन नहीं होगा तो मैं ये डायमंड को माइन नहीं कर सकता, और ये माइन नहीं कर सकता तो मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं होगा। तो पहली बात तो मुझे एक यहाँ पे आयरन गोलम ढूंढना पड़ेगा, तो देखते हैं किधर है आयरन गोलम। आयरन गोलम अरे यहाँ पे मेरे मुँह के सामने ही एकदम है, मतलब भाई क्या ही, तो मतलब क्या ही बोले, कहाँ ढूंढ रहा था मैं। तो छोड़ो यहाँ पे मैं पहले एक क्राफ्टिंग टेबल और एक एक्स बना लेता हूँ। और राइट गाइस मैं यहाँ पे एक्स बना चुका हूँ, तो चलो क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको मारते हैं एक बार। तो गोलम जी चलो यार, ये मार दिया, एक शॉट मार दिया, लेकिन कोई ना। तो चलो थोड़ा सा दूर जाके मैं 3 ब्लॉक हाइट तक मैं बिल्ड करूँगा, उसके बाद 3 ब्लॉक और एक कर लेते हैं। हाँ तो आ बचा तू, अब देखता हूँ तुझे, चलो इसको मारते हैं अब। अरे मर्चा भाई, कब मरेगा भाई, मतलब क्या ही बोले, ये कितना पावरफुल होता है भाई, मगर क्यों। और राइट गाइस ये मर भी चुका है, तो चलो धीरे धीरे नीचे चलते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर ट्री बहुत ज़्यादा कम स्पॉन होता है। तो छोड़ो यहाँ पे हमें ये जो आयरन गुलाम है, इसने हमें 4 आयरन इंगट दी है, तो इससे हम क्या बनाएं, एक बकेट या शील्ड या पिकेक्स, क्या बनाया जाए भाई। आई थिंक पिकेक्स ही बना लेते हैं, क्योंकि ये बनाएंगे, मतलब ये पिकेक्स मैं बनाऊंगा तो इससे मैं वो डायमंड तो कलेक्ट कर सकता हूँ ना, तो चलो एक पिकेक्स ही बना लेते हैं। और राइट गाइस मैं यहाँ पे पिकेक्स बना चुका हूँ, तो चलो क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम अब क्या करेंगे कि ये जो डायमंड ब्लॉक है इसको कलेक्ट कर लेंगे, इससे हम हमारा फुल मतलब आयरन बोल रहा हूँ मैं। तो हमें यहाँ पे क्या होगा कि मैं एक डायमंड का फुल आर्मर सेट बना लूँगा और टूल सेट भी। तो चलो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा मतलब समय रहे हो ना। नहीं। और राइट गाइस मैं यहाँ पे डायमंड कलेक्ट कर चुका हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सारा यहाँ पे डायमंड मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। तो चलो अभी और क्या, इसका डायमंड बन लेते हैं भाई, इतना सारा डायमंड होगा यहाँ पे। तो उसके बाद मैं यहाँ से मतलब आर्मर सेट बना लूँगा। तो गाइस यहाँ पे करीब करीब 3 स्टैक मेरे पास डायमंड आ चुका है, तो यहाँ से चलो एक एक करके सारे टूल्स और आर्मर सेट बना लेते हैं।
और मतलब सब बना लूंगा मैं यहाँ। तो गाइस चलो इसको पहन लेते हैं, इस आर्मर को। और राइट गाइस, मैं यहाँ पे सारा टूल्स और कुछ आर्मर बना चुका हूँ। अभी चलो यार यहाँ पे थोड़ा सा मतलब खाना भी कलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि मेरा फूड वार बहुत ही जल्दी जल्दी जा रहा है यहाँ से। तो और क्या गाइस, यहाँ पे जो हेवेल रखा है इसको ले लेते हैं। और इस और राइट गाइस, यहाँ पे एक गोलम स्पॉन भी हो चुका है यहाँ इस यहाँ पे। तो गाइस चलो इसको भी मार लेते हैं। तो चलो इसको मारने के बाद हम मैं एक बकेट भी बना सकता हूँ इससे। तो चलो इसको जल्दी जल्दी मैं इसको मार देता हूँ, वो भी डायमंड के एक्स पे। इससे क्या हुआ कि ये जल्दी अबे यार ये मार दिया था अभी, मतलब क्या बोले, इससे दूर से ही मारना पड़ेगा। तो चलो इसको मारते हैं, और इसके मारने के बाद ही इसका जो आयरन है इसको लेके हम एक बकेट बना लूँगा मैं। तो कितना मिला, 6 है। मतलब ये पहले एक था मेरे पास आयरन इंगट, अभी इसने आई थिंक 5 दिया। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे खाना कलेक्ट कर लेते हैं। और राइट गाइस, यहाँ पे रात भी हो रही है। तो और क्या गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा खाना पहले बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हेवेल से वीट में कन्वर्ट कर लेते हैं जितना हो सकता है। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और राइट गाइस, मेरे पास 1.5 स्टैक के करीब ब्रेड आ चुका है यहाँ पे। और राइट गाइस, यहाँ पे रात भी हो रही है। तो चलो यहाँ पे विलेजर को उठा के हम सो जाते हैं, इससे सुबह कर लेंगे। अरे चलो उठते हैं से यार, क्या है बोले। और राइट गाइस, नया दिन हो चुका है। तो गाइस चलो, और क्या यहाँ पे ये देखो भाई, कितना मॉब स्पॉन हुआ है यहाँ पे। तो छोड़ो इसको। और राइट गाइस, बहुत देर के बाद मैं यहाँ से पूरे गाँव से सारा व्हीट और जो भी हो सकता है यहाँ पे बेड फेड सब कलेक्ट कर लिया हूँ। अभी चलो यहाँ पे वेंडिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ है, तो इसका देखते हैं ट्रेड कैसा है। तो उतना तो खास नहीं है, मेरे पास एमराल्ड भी नहीं है कि ये बकेट को खरीद सकता हूँ। तो छोड़ो इसको। और राइट गाइस, चलो यहाँ से एक बकेट बना लेते हैं और एक सील्ड बना लेते हैं यहाँ से। और सील्ड से पहले मैं और भी थोड़ा सा खाना कलेक्ट कर लेता हूँ, अगर कहीं बाई चांस मतलब हमें ज़रूरत पड़ गई तो। और राइट गाइस, मैं बहुत सारा लकड़ी और वाटर भी ले चुका हूँ यहाँ से। तो चलो लकड़ी का प्लैंक्स बना लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक्स हमें ज़रूरत होगी। तो चलो यहाँ से, और क्या, 2 गोल्ड ब्लॉक हैं यहाँ पे, इसको लेते हैं पहले। तो चलो इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों गोल्ड ब्लॉक को, एक यहाँ ए रहा। तो क्या ही तो बोले, 2 गोल्ड ब्लॉक भाई, मेरा लक समझ रहे हो भाई, क्या ही तो बोले। तो चलो धीरे धीरे इसके ऊपर चलते हैं। और गाइस चलो इस रॉड को पहले तोड़ देते हैं और यहाँ से गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट कर लेते हैं, और इस रॉड को जहाँ पे था वहाँ पे ही लगा देते हैं। और गाइस चलो यहाँ पे पानी डाल के सारा लावा को बुझा देते हैं, मतलब ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो डायमंड का क्या बोलते हैं उसको पिकेक्स भी है। तो इससे मैं माइन भी कर लूँगा उसको, और ये एक नेदर पोर्टल को भी कंप्लीट कर दूँगा, और क्या। और राइट गाइस, ये जो ऑब्सिडियन है इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और ये रहा, मैं कलेक्ट कर चुका हूँ इसको। तो चलो इसको नेदर पोर्टल के अंदर लगा देते हैं, मतलब रूइन पोर्टल के अंदर, तभी तो ये नेदर पोर्टल में कन्वर्ट होगा ना। तो छोड़ो इसको पहले ढक देते हैं यहाँ पे, तो मेरा भी सेफ्टी हो जाएगा। और इस मैग्मा ब्लॉक को तो तोड़ो पहले भाई। तो छोड़ो यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्सिडियन है इसको यहाँ पे लगा देता है, और इस यहाँ पे एक लग जा, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस चलो यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील लगाकर हम नेदर के अंदर चलते हैं। और राइट गाइस, मैं नेदर के अंदर तो आ चुका हूँ, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा सीन हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे दूर दूर तक मतलब कोई कुछ भी नामो निशान नहीं दिख रहा मुझे, और यहाँ पे एक गाश ने भी अटैक कर दिया मुझ पर। तो चलो इस यहाँ से चलता है, क्योंकि भाई ये मार देगा भाई, मैं इससे टेनिस नहीं खेल सकता भाई, मैं इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ। तो चलो यहाँ से चलता है, और कोई एक मतलब फोर्ट्रेसेस और चाहिए ना मुझे, वो एक ढूंढता है, और क्या। तो चलो यहाँ से चलता है और ढूंढते हैं। और राइट गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने के बाद भी मुझे एक भी इंटरपल नहीं मिला, और मैं आ चुका हूँ ऐसी एक घटिया सी बायोम के अंदर। तो चलो देखते हैं किधर नेदर फोर्ट्रेस हो सकता है। तो ढूंढना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका हूँ मैं नेदर फोर्ट्रेस से। तो देखते हैं किधर होता है। तो चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे ही फोर्ट्रेस था वही, मतलब क्या ही बोले। चलो चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। पहले यहाँ पे एक मतलब फायर की पोशन ले लेते हैं, क्योंकि भाई नीचे ब्लेज रहता है, वो भाई बहुत गंदा पीटता है। तो चलो
तो चलो गाइस एमएलजी करते हैं, चलते हैं यहाँ से। और ये जो वाइंस है इसके ज़रिए मैं एमएलजी करूँगा, तो यहाँ पे पहले चलता है, अभी चलो इसके ऊपर जाके हम एमएलजी करेंगे। और ये और राइट गाइस यहाँ पे हमारा एमएलजी हो भी चुका है। अबे अबे ये मार रहा है भाई, यहाँ पे ये मार रहा है भाई, ये इधर स्केलेटन भाई, भागो यहाँ से भाई। यार यहाँ पे ये लगा के ब्लॉक करना पड़ेगा भाई, बहुत ही गंदा मार रहा है ये। तो भाई पीछे भी आई थिंक स्केलेटन है, ये भी मार रहा है भाई। तो चलो गाइस यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पे हम हील करेंगे। तो और राइट गाइस मैं यहाँ पे कवर तो कर चुका हूँ, और चलो अभी यहाँ पे देखो भाई स्केलेटन मतलब अभी भी मेरे पर अटैक कर रहा है। तो चलो कोई ना, यहाँ पे पहले मैं ब्रेड खा लेता हूँ। और ये देखो भाई स्केलेटन आ चुका है मेरे को मारने के लिए, इसको आगे पहले इसको मारना पड़ेगा। तो भाई ये मर जा भाई, क्या कर रहा है भाई। हाँ ये अब मर गया, तो चलो अभी चलता है यहाँ पे, इसको खोद दे अभी भाई। अबे भाई कितना एरो ये बरसाया भाई, इतना ज़्यादा एरो भाई, मतलब कौन फेंकता है ऐसा भाई। छोड़ो यार क्या ही बोले। तो चलो अभी जो हमारा होता है ना ब्लेज स्पॉनर, वहाँ तो वहाँ पर चलता है। तो चलो इधर इधर साइड का वह चलता है, देखते यहाँ पर क्या है। अबे भाई यहाँ पे डेड एंड है भाई, चलो अब वापस जाना पड़ेगा भाई। वो स्पॉनर पहले ढूंढता है, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे ये जो ब्लेज है ना उसको मारा था। तो चलो देखते हैं, इसको पहले मारते हैं भाई, ये मतलब इसकी ऐसी की तैसी भाई, हर बार आ जाता है भाई मारने के लिए। तो चलो यहाँ से चलता है, और किधर होगा भाई ब्लेज स्पॉनर, आई थिंक नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही सारा ब्लेज तो दिख रहा है मुझे, तो चलो यहाँ से नीचे चलते हैं और अभी देखते हैं यहाँ पे कहीं पर तो ब्लेज स्पॉनर मिल जाए तो। और राइट गाइस मुझे यहाँ पे आई थिंक दूर साइड में यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे इसको इग्नोर मारते हुए चलो चलते हैं, हमला तो कर रहा है ये भी। तो यहाँ पे आई थिंक ब्लेज स्पॉनर मिल गया है हमें, तो आप लोग देखो ब्लेज स्पॉनर मतलब ब्लेज स्पॉनर के सामने हम कैसे ब्लेज को मारते हैं। और राइट गाइस ये ब्लेज मुझे मार रहा था, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा पैक करते हैं क्योंकि भाई मेरा हील नहीं है, और भाई ये ऊपर से मार भी रहा है भाई। कवर करते हैं और चलो हील करते हैं अभी भाई, बहुत ज़्यादा हमें मतलब डैमेज दे दिया है ये। तो गाइस यहाँ पे हमें ब्लेज रॉड 11 ब्लेज रॉड मुझे मिल गई है, तो चलो अभी हील करते हैं खुद को, और इसका ब्लेज पाउडर बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं वे फॉरेस्ट के अंदर। वहाँ पर हम क्या करेंगे, एंडरमैन को मारेंगे, और उसका जो आँख है उसको लेके हम जाएंगे एंडर ड्रैगन को मारने।
और राइट गाइस, मैं यहाँ से मतलब फोर्ट्रेस से आते आते यहाँ पे हमें रेड वाला बायोम भी मिल चुका है हमें, तो चलो यहाँ से थोड़ा सा फूड कलेक्ट कर लेता है, फूड बोल रहा हूँ मैं, वुड कलेक्ट कर लेता है और यहाँ से चलो चलते हैं वो वाला जो ब्लू वाला फॉरेस्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, वेब फॉरेस्ट ही तो बोलते हैं ना, तो चलो उसको भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि भाई एंडरमैन की भी ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो चलो देखते हैं कितनी देर में हमें मिलता है ये फॉरेस्ट। और गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा दूर हूँ मेरे वो नेदर पोर्टल से, मुझे पता है कि उसके पास में ही मुझे आई थिंक एक दिखा था वेब फॉरेस्ट, आई थिंक मैं बहुत दूर हूँ वहाँ से, तो जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो चलो गाइस वहाँ पर ही चलते हैं क्योंकि वहाँ पर तो मुझे दिखा था ना, और वहाँ पे ही मेरा नेदर पोर्टल है, मैं एक ही बार में चला जाऊँगा वर्ल्ड के अंदर। और गाइस इधर तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आई थिंक अच्छा बना है, तो गाइस एक लाइक तो बनता है। मैं गरीब हूँ। राइट गाइस, मुझे यहाँ पे दिख चुका है वो ब्लू फॉरेस्ट मतलब वेब फॉरेस्ट, तो चलो इसका भी वुड कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा सा निशानी तो रखना चाहिए ना, तो चलो यहाँ पे एंडरमैन तो दिख चुके हैं, तो चलो इसको भी मारते हैं और इसका भी माउंटेज आप लोग देख लो। और राइट गाइस, मैं बहुत सारा ये अंडरफ्रेल तो कलेक्ट कर चुका हूँ, तो चलो अभी चलते हैं हमारे नेदर पोर्टल के अंदर, वो अभी सामने ही है। अबे अबे भाई, अभी मरते मरते बचा भाई, देख रहे हो भाई नेदर के अंदर क्या मतलब ये सब क्या हो रहा है भाई, अभी मैं मरता भाई, नेदर पोर्टल है ये यहीं कहीं, तो चलो देखते हैं किधर है और यहाँ से चलना पड़ेगा। और गाइस ये रहा मुझे मेरा पोर्टल दिख चुका है, तो चलो अभी चलते हैं ओवरवर्ल्ड के अंदर। और राइट गाइस, मैं यहाँ पे ये जो है ना हमारा जो आई ऑफ एंडर ये मैं बना चुका हूँ, और जो चलो यहाँ पे और क्या देखते हैं कहाँ पर हमें पोर्टल मतलब एंड पोर्टल मिलती है, तो चलो यहाँ पे सो देते हैं पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से सुबह हो चुकी है, तो चलो देखते हैं किधर एंड पोर्टल। मगर क्यों? नोप। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये गाइस तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं और क्या कुछ होता है यहाँ पे, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा ठीक है भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। चलता है एक बार दूसरी विलेज के अंदर। अरे ये क्या यहाँ पे एंड पोर्टल, ये किसने रखा भाई? ये मैंने तो नहीं रखा भाई, ये मैं सच में मैं नहीं रखा ये, तो चलो कोई ना यहाँ पे इसको लगा देते हैं और चलते हैं इंडर ड्रैगन को मारने। अबे साले, अरे भाई एक इंडर फाइव मतलब आई ऑफ इंडर कम पड़ चुका है, तो चलो इसको एक बना लेते हैं और क्या, एक ही बनाऊंगा मैं, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं और चलते हैं इंडर ड्रैगन को मारने। और राइट गाइस, मुझे यहाँ पे घटिया से स्पॉन मिल चुका है, तो चलो मेरे पास आई थिंक एंडर फ्रेल होगा, तो इसको नीचे लगाओ पहले और चलो यहाँ पे मतलब टेलीपोर्ट करके चलते हैं इसके ऊपर। और राइट गाइस, मैं आ चुका हूँ इसके ऊपर, तो अभी और क्या, तो चलो ये सब फोड़ना पड़ेगा ये क्रिस्टल, तो जल्दी जल्दी फोड़ते हैं। और राइट गाइस, चलो जल्दी जल्दी इस पिलर के ऊपर चलते हैं और वो जो क्रिस्टल है इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको पहले कवर करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये मार देगा भाई, मतलब ये ऐसा इसका ऐसा डैमेज है ना, ये ऐसे ही मार देगा, तो चलो इसको फोड़ते हैं। अबे अबे भाई ये गिरा दिया भाई, वन हार्ट पे ये रखा भाई, तो भाई चलो हील करते हैं पहले, तो चलो यहाँ पे वाटर बकेट करके चलते हैं ऊपर। तो चलो ऊपर चलते हैं पहले और इसको तोड़ना पड़ेगा। अरे अरे भाई मैं नीचे भी गया भाई, फिर से हाफ हाक कर दिया भाई, भाई यार क्या ही बोले, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक से चढ़ना भी नहीं आता मुझे, तो चलो पहले हील करते उसके बाद। अबे भाई यार इंडा डगर ने मार दिया यार, क्या ही बोले इसको, सब कहेंगे मर। तो गाइस फिर से मैं आ चुका हूँ इस एंड के अंदर, तो चलो इसको फोड़ते हैं, ये मैंने एक फोड़ दिया हूँ और भी बहुत सारा है, वो भी मैंने फोड़ दिया था पिलर अप करके,
तो गाइस और एक ही बचा है, इसको भी फोड़ देते हैं, उसके बाद इसका मैं आज खात्मा करूंगा। तो चलो इसको मतलब ब्रीजिंग करते हुए चलते हैं। अबे भाई ये धक्का मैं क्यों देता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है भाई, इसको मारना पड़ेगा भाई कुछ भी हो जाए। तो चलो गाइस धीरे धीरे पिलर अप करके मतलब ब्रिजिंग करके चलते हैं। अबे भाई ये धक्का दे दिया भाई, अरे भाई ये लगा था भाई, बड़ा हरामी हो बेटा। ऑलराइट गाइस मैं अभी आ चुका हूँ और एक बार, लेकिन यहाँ पे इंडर ड्रैगन का साउंड तो आ रहा है लेकिन उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब भाई क्या हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता चल रहा भाई, सारे क्रिस्टल मैं तोड़ दिया। उसके बाद ये देखो भाई इंडर ड्रैगन का आवाज़ आ रहा है लेकिन इसका हेलबार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ये देखो भाई, ये जो इसका गोला होता है ना, ये फेंक रहा है लेकिन इसको मैं नहीं देख पा रहा, क्या हो रहा है भाई? भाई कुछ ग्लीच हो गया आई थिंक, पता नहीं भाई क्या हुआ, इसको दिख ही नहीं रहा मुझे। मतलब इसका हेल्थ बार देखो, इसका हेल्थ बार ही नहीं दिख रहा। मतलब केवल इतनी देर से मैं स्पीड रन किया, उसके बाद ये सब पिलर अप करके भाई ये बहुत ज़्यादा मैंने लगाया। अगर मेरे पास बो और एरो रहता ना मैं इसको मार देता भाई, इजीली मार देता, क्योंकि बो से ही अगर मैं इस क्रिस्टल को नीचे से ही तोड़ देता तो इसको मैं मार सकता था इजीली। क्यों भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये देखो ये अटैक कर रहा है लेकिन इसको मैं नहीं देख पा रहा, क्या हो रहा है भाई? मुझे लगा ये बैठा है तो मैं देख रहा था भाई, ये नहीं बैठा है, मतलब क्या हो रहा था ये। तो गाइस चलो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं कहीं पर ये छुपा होगा, तो देखना पड़ेगा कहाँ है ये रेड ड्रैगन भाई, ये कहाँ चला गया भाई। तो चलो, अबे भाई कौन मार रहा है, ये रेड ड्रैगन ही मारा है थे, लेकिन किधर है भाई ये नहीं दिख रहा मुझे। भाई क्या हो रहा है ये सब, ये नहीं दिख रहा, और क्या ग्लीच है ये गेम के अंदर क्या ग्लीच कर रहा है यहाँ पे। किधर है भाई इंडर ड्रैगन, अरे किधर है आप ही, अरे भाई अटैक कर दिया भाई, भाई चार हट, अरे भाई कैसे मैं बचा भाई। गाइस ये एमएनजी आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताना भाई, ये मतलब क्या ही बोले क्या एमएनजी किया मैं। और भाई लेकिन मैं इंडर ड्रैगन को मारूं तो मारूं कैसे, ये तो मुझे नहीं दिख रहा है, इसका आवाज़ तो आ रहा है लेकिन ये मुझे नहीं दिख रहा भाई, कैसे मारूं इसको। तो छोड़ो गाइस ये क्या हुआ है, मतलब कैसे ग्लीच है मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। We'll be right back.